नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन है वो जो गत सेशन चल रहा था उसी का आगे का भाग है, यानी कि तीसरी तिमाही चल रही है, सातवां, आठवां, नौवां महीना। इस सेशन में मैंने पिछले सेशन में आपको बैठ के योगा करवाए थे, आज अपन कुछ बैठ के करेंगे, कुछ खड़े होके करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अगर आप, मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, ये बात बोलती हूँ और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि यदि आपका शरीर अनुमति नहीं देता है तो आप वो पोज ना करें और पहले अपने डॉक्टर से एडवाइस या सलाह लेकर के करें। बिना किसी सलाह के मेरे वीडियो को फॉलो नहीं करना है। बस ये योगा का नियम जो होता है वो ये होता है कि पहले आप खड़े पोज करेंगे, फिर बैठ के करेंगे, फिर लेट के पोज करेंगे और फिर उसके पश्चात आप प्राणायाम करेंगे। लेकिन अभी आप गर्भावस्था के दौरान हैं तो आपसे जैसे और जो पोज होते हैं, जो आसन होते हैं, वो आप आरामदायक जो भी होता है वो ही आप करें, अब अन्यथा आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को पूरा वॉच करके उसको उस पर कमेंट करना आपको कैसा लगा। किसी भी तरह की कोई क्वेरीज है तो उसको भी कॉमेंट बॉक्स में लिखना है आपको। इसके अलावा आपके आसपास में कोई ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो उनके साथ में मेरा वीडियो जरूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं सरोज चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप आपको क्या करना है, पहले तो शुरू करने से पहले पहले तो आपको गर्भ पे हाथ रखे 5 बार आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेनी है। तो आप दोनों हाथों को अपने गर्भ पे रखिए इस तरीके से, फिर 5 बार आपको आंखें बंद के डीप ब्रीदिंग करनी है। ये चीजें मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आप योगा का जो आसन भी करते हैं उसके अंदर भी मैं सांस लेना सांस छोड़ना बताती हूँ, तो वो आपके प्राणायाम का काम भी करता है साथ में। तो आप जितना लंबी ब्रीदिंग कर सकते हैं उतना जरूर करें। सांस लें सांस छोड़ें, सांस लें सांस छोड़ें, सांस अंदर लें सांस छोड़ें। इसके बाद आपको नेक की स्ट्रेचिंग करनी है। सांस भरते हुए गर्दन को टेढ़ा करना हाथ से और एक हाथ कंधे पे रखना है, एक हाथ आपको गर्दन पे रखना है इस तरीके से सर पे। सांस भरते हुए आप गर्दन को टेढ़ा करेंगे, सांस छोड़ते हुए सीधा। दूसरी साइड करेंगे, सांस भरते हुए टेढ़ा करेंगे, सांस छोड़ते हुए सीधा। इसके बाद आपको आगे पीछे करना गर्दन को, सांस भरते हुए पीछे की साइड ले जाएंगे, सांस लेते हुए आगे की साइड आएंगे। सांस छोड़ें, सांस की स्ट्रेचिंग करेंगे। सांस भरते हुए आपको हाथों को यूं करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की साइड करना है। दूसरे हाथ की स्ट्रेचिंग करेंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इसी तरीके से आपको पैरों की करनी है। ये जो अंगूठा है वो सांस भरते हुए अपनी तरफ करना है, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ करना है।
इससे आपके जो मांसपेशियां हैं, ये पूरी ये मसल्स हैं वो खुल जाती हैं, जकड़न दूर हो जाती है। दूसरा हम करेंगे साइड बेंड करेंगे, हाथ को यूं रखेंगे, सांस भरते हुए ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। दूसरी साइड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। आप इनको 2-3 बार भी कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वार्म अप करने का बता रही हूँ, और जो मैंने पीछे के वीडियोस में बताए वार्म अप करने का, वो भी आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सारी चीजें आप एक ही दिन में करें, आधा एक दिन करें, आधा एक दिन करें। बाकी बॉडी की जो शरीर की स्ट्रेचिंग होती है वो बहुत जरूरी होती है, उसके बाद ही आप पोज स्टार्ट करें। सांस भरते हुए ऊपर करें, थोड़ा सा बॉडी को यूं करें, सांस छोड़ते हुए नीचे करें, सांस भरते हुए ऊपर करें, साइड स्ट्रेचिंग करें, सांस छोड़ते हुए नीचे करें, सांस भरते हुए ऊपर करें, साइड स्ट्रेचिंग करें, दूसरी साइड में सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। इसके बाद अपन लोटस आसन करेंगे। इस तरीके से हाथों को जोड़ना है, ऊपर ले जाके और हाथों को जोड़ना है, 5 गिने वहां तक होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। फिर अपन टेबल टॉप की पोजीशन में आएंगे। आपको ये जो पैर है सांस भरते हुए ऐसे बाहर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। सांस भरें, लेके जाएं, सांस छोड़ें, नीचे लाएं। दूसरी साइड से करें ऐसे ही, सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। इसी तरीके से आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है यूं, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। सांस छोड़ते हुए नीचे। ध्यान रहे कि आपके कोर पे या आपके टम्मी पे भी किसी भी प्रकार की स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए, दबाव नहीं पड़ना चाहिए। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब आपको अपोजिट हाथ और पैर को सीधा करना है सांस भरते हुए, इस तरीके से सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। दूसरे हाथ से करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। अपन खड़े पोज करेंगे। सबसे पहले अपन करेंगे इस तरीके से, एक तो 90 डिग्री के कोण, एक तो 45 डिग्री में पैर करना है, एक आपको 90 डिग्री पे करना है। जितना पैर खोल सकते हैं उतना खोलें। का घुटना है वो आपके अंगूठे से आगे नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से आए। उसके बाद में सांस भरते हुए हाथों को यूं करें, इस तरफ आपको अपना हाथ करना है, 5 गिने वहां तक होल्ड करें, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे करें। दोबारा इसी पोजीशन में आए, एक अपना गर्भ पे हाथ रखें, दूसरा इस तरीके से स्ट्रेचिंग करें। फिर इस एर
इस आपको इधर वाले पैर को थोड़ा सा यू टर्न करना है, हाथों को भरते हुए ऊपर जाएं, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे आए। इसी तरीके से अपन दूसरी साइड में करेंगे, एक 45 डिग्री, एक 90 डिग्री पे पैर घुटना मोड़ें, सांस भरते हुए हाथ सीधे करें, सांस छोड़ते हुए नीचे करें। गर्भ पे हाथ रखें, सांस छोड़ते हुए वापस आए। फिर इस वाले पैर को थोड़ा सा यूं मोड़ें, सांस भरते हुए हाथ ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे करें। इसी पोज में अपने को पर्वतासन करना है, इस तरीके से करें। अगर आप होल्ड नहीं कर सकते तो बीच बीच में खड़े हों, दोबारा फिर से करें। इस तरीके से आप 3 से 5 बार तक, या नहीं होता तो आप स्किप कर सकते हैं। इसके पश्चात बैठ के आपको ओम का उच्चारण करना है। पहले 5 बार सांस लेनी है, फिर ओम का उच्चारण करना है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अपन ये जो प्रेगनेंसी में है, या खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में है, वो सारे अपने योगा पोज होते हैं वो कमर के नीचे के हिस्से के लिए होते हैं। ऊपर तो सिर्फ अपन स्ट्रेचिंग करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि आपके लेबर पेन से फाइट करने के लिए आपका जो ये कमर से नीचे का हिस्सा है, आपके पैर, पेल्विक एरिया, इसको मजबूत बनाता है, इसका स्टेमिना बनाता है। तो मैं जो पोज बता रही हूँ वो इस टाइम पे आपसे हो सकते हैं तो वहां तक आप करें। 5 बार गहरी गहरी सांसें लेंगे अपन प्राणायाम की मुद्रा में बैठ के। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और लास्ट में अपन ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। नमस्ते पूज बनाएं ओम के, आंखें बंद करें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें। अगले सेशन में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।